मंगल एक बार देख क्या संजीव वर्मा जी करते हैं। अरे कोई भी नहीं है सर, सब गायब, ताला लगा, सब ताला लगा, ये साइन करा के लाया बाबू से, टेंशन मत लो। ये बाबू की रिसीविंग थोड़ी लेंगे हम, बीएमओ की रिसीविंग लेंगे ना। हाँ सही, रिसीविंग लेंगे तो बीएमओ की लेंगे, जब या वर्मा जी की लेंगे। वर्मा जी कहाँ है, पता करो। वर्मा जी ने लगाओ फोन, वर्मा जी को लगा रहे संजीव, वर्मा जी को फोन लगा, कहाँ हो आप? सेन करेंगे सारे, तुम महिला को प्रताड़ित कर रहे हो, पिछले 5 महीने से मेरे सामने की बात है, इसके सामने की बात है, सोना मुश्किल कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया, 6-6 गोली नींद की खा के सो रही है औरत, खाना पीना बंद हो गया, खाना ऐसे ही बनता है, बिक जाता है, फिर बनता है। वर्मा की रिसीविंग लेंगे, उसके अलावा किसी की रिसीविंग नहीं लेंगे। हाँ, एक मिनट, चलो आप तो आपका, हाँ आपका बोल दो, क्या कहना चाह रहे हो? सब लोग उधर खड़े हो जाओ, तरीके से बीएमओ सब पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ, बोलो यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी, एक मिनट सब चुप रहो, बैठो, बोल दो। मैं यहाँ पे भारतपुरा में 5 महीने से पूरी ईमानदारी से सेवाएं दे रही हूँ, पूरी जनता मुझसे खुश है, संतुष्ट है, किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं है। कोटा झालावाड़ जाने वाले मरीज भी यहाँ पे रुकने लग गए हैं, इलाज से सभी के सभी संतुष्ट। इससे क्या, वर्मा सर वो जो बीएमओ सर है सिसोदिया सर, उनको पता नहीं किस बात की तकलीफ है, वो मेरा बाबुलदा ट्रांसफ़र कर दिया और मेरे को आदेश दिया कि आप तत्कालीन सेवाओं से तुरंत के तुरंत बाबुलदा पहुँचो, वहीं पर मुख्यालय पर रहो, 24 घंटे की सुविधा आप वहाँ पर दो। ठीक है, बात करने पे कि सर कारण क्या है, तो बोलते कारण देना, मैं आपको कारण का आंसर देना उचित नहीं समझता। दूसरा, बदतमीजी से बात करना, एक महिला को किस तरीके से बात करना चाहिए, बात करना भी उनको नहीं आता। ठीक है, तीसरी बात, मेन बात बताओ ना, वो तो महिला मेरा मानसिक प्रताड़ना इस तरह से कर दी है कि रात में सोना मुश्किल कर दिया। ठीक है, पता नहीं उनको पैसों का लालच है, 6 बजे के बाद बाहर बाद में ऑफिस में बुलाता है, ये बोलो ना, मेन बात तो ये है। आप खुल के बोलो, मैम खुल के बोलो, डर क्यों रही है लोगों में, बोलो नहीं। बोलो ना, ये नहीं है, नियत पूरी तरह से खराब है, बहुत ही गंदे हो, पैसे के लिए भी 10,000 का लिफाफा मांग रहे हैं कि 10,000 का लिफाफा हर महीने दो, नियत अलग उनकी खराब है पूरी तरीके से, तो मैं इस तरह से सहन थोड़ी ना कर पाऊँ। ठीक है, या तो फिर मैं फिनाइल पी के मानसिक प्रताड़ना इस हद तक कर दी है कि सुसाइड करने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। ठीक है, और अब सहन से बाहर हो गए, इसलिए मैंने जनता को बताया कि हम आपसे बोल रहे हैं, सबको बता रहे हैं, ये तो हम यहाँ पे छोड़ दें, काम ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर जनता बोलती है, हर डॉक्टर को ये भगा रहे हैं, हम यहाँ पे रुक के भानपुरा में रुक के काम करना चाहते हैं। ठीक है, और लोगों को सेवा देना चाहते हैं, डिलीवरी रूम में इतने लोग खड़े हो, एक जना हाथ ऊंचा करके बोल दो कि हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं हो, डिलीवरी रूम में ड्यूटी करना चाहती हूँ, आप बोल दो, एक भी जना बोल दो कि हमारी सेवा से आप संतुष्ट नहीं हो, एक जना हाथ ऊंचा करके बोल दो। ठीक है, 20 साल से यहाँ पे टिके हुए हैं, लेकिन हर संतुष्ट होके नहीं हो, मैडम की सेवा से संतुष्ट होके नहीं हो, अब रिसीविंग संजीव रिसीविंग लेंगे, महिलाओं को अच्छे से प्रभारी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं देना है फ्री में, और कोई पैसा नहीं लेना, अस्पताल में भी फ्री में काम करना। ओरिजिनल बात बताओ ना, 500 रुपए हर डिलीवरी पे लेते हैं, 500 रुपए हर डिलीवरी पे लेते हैं, हर डिलीवरी पे, और 1000 रुपए तो डिलीवरी में जाते ही जाते हैं, हर डिलीवरी में जाते हैं 500 रुपए इन्होंने दिए ना, बोलो आओ, आप बोलो, किसी सामने बोलो, आप प्रेस के सामने बोलो, आपके मन में आप बताओ। हम चाहते हैं कि यही मैडम है, ये अच्छे से देखते हैं, अच्छे से इलाज करते हैं, और जितने भी पेशेंट आए, मैंने खुद ने खड़े होकर देखा है, जितने भी पेशेंट आए ना, सबको इतने अच्छे से बात की और इतने अच्छे से समझाया दवाइयों के बारे में, सब बारे में, और यहाँ तो डॉक्टरों को बात करने की फुर्सत ही नहीं है। बहुत बढ़िया दीदी, आ गया हो, रात को भी एक दिले में आओ आओ